हो, मैं नेहा सैन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 8 की पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ बस की यात्रा लेकर, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों हरिशंकर परसाई जी जो थे आधुनिक व्यंग्यकार थे, इन्हीं के कारण इन्हीं की देन है कि हिंदी गद्य साहित्य में किसको गद्य विधाओं के अंदर व्यंग्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गद्य की जो 10 विधाएं हैं, 10 विधाओं के अतिरिक्त जो व्यंग्य होता है उसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है बच्चों, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी की अगर रचनाओं की बात करें तो उनकी कहानियां भी लिखी उन्होंने, उन्होंने उपन्यास भी लिखे और उन्होंने संस्मरणीय लेख भी लिखे उन्होंने। तो उनके जो उपन्यास है उनमें रानी केत की नागफनी की कहानी और ज्वाला और जल, तट की खोज इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह के अंदर इनके हंसते हैं, रोते हैं, उनके दिन फिर फिरेंगे और भोला राम का जीव जो कि आपके 9 क्लास का जो पिछला सिलेबस था पाठ्यक्रम था उसके अंदर भी उसको सम्मिलित किया गया था। तो हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंग के माध्यम से समाज में हो रही बुराइयों का विरोध करते थे। वो समाज में रहने वाली कुरीतियों का जैसे भ्रष्टाचार है या और भी चीज आप देखोगे तो उनका उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उसका विरोध किया है। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं बस की यात्रा, ये भी एक व्यंग है। इस पाठ के अंदर एक जर्जर अवस्था में एक बस है जिसके माध्यम से लेखक और उसके कुछ साथीगण यात्रा कर रहे हैं। तो उनकी यात्रा के सफर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति का वो सामना करते हैं, वो सब मतलब इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो हम इस पाठ को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक वीडियो है, एक ऑडियो है जो आप सुनेंगे और उसको सुनिए समझिए फिर हम इसके आगे बात करेंगे। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, जी वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है?
अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? चल रही है कि रुक रही है? समझ में नहीं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। चलिए तो सही। कम से कम ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। हाँ। अरे भैया क्या हो गया वो? ए भाई क्या हुआ ये? जाओ साहब चलाओ गाड़ी को। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। हाँ
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अरे ड्राइवर साहब, क्या हुआ फिर? एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर साहब कुछ करोगे? यार भाई ये खटा रहा है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। परेशान है हम, गर्मी हो रही है बहुत। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। चली तो बच्चा भी अच्छा चल रहा है। बच्चा भी चलती रहे धीरे धीरे तो भी ठीक पहुंच जाए। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिल कर थम गई। पैसे वापस ले लेते हैं। टायर बदलवा लो, रोज का टायर पंचर होता है आपका। अगर स्पीड में होती
तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, बार बार रुकती है, चलती है। ये बस है कि खटारा है? है बैलगाड़ी की तरह चल रही है ये बस है? दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कैसे हैं आप? आपने कभी इतनी सौभाग्यशाली बस में सफर किया है? आज हम दोनों कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बस की यात्रा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख हरिशंकर परसाई, कलाकार नीरज शर्मा, विद्याभूषण और अशोक मलकानी, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, बटिला एंगलिंग दो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। लोग थे, उन लोगों ने बताया कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इस
मानसिकता बनाने की ये बस क्या है, डॉकिंग है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। जब उन पांचों मित्रों ने बस को देखा तो उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्यों? क्योंकि बस इतनी जर्जर अवस्था में थी, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके अंदर अंदर सारे ढीले हो गए थे। तो सदियों के अनुभव के निशान ये होते हैं, यानी उसने उसके जहाँ कहीं पे वो भिड़ी होगी या कहीं पे वो पेड़ से टकराई होगी, उस टकरावट के सारे निशान यहाँ पे उसके शरीर पर मौजूद थे। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। हमारे घर में जो वृद्ध लोग होते हैं, आप उन्हीं को लो, आप उनसे काम नहीं करवाते, उनकी सेवा करते हो। तो ऐसा ही उनके जो पांचों मित्र थे, उनके मन में भी उसको देख कर ये भाव उमड़ आए। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के रिश्तेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? सर बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया। ऐसी बस अपने आप चलती है? यानी बस की उस कंडीशन को देखकर, उस जर्जर अवस्था को देख करके वो पूछ रहे हैं कि बस अपने आप ही चलती है, इसको धक्का लगाना पड़ता है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है इसमें जाएगा। राजा रंगपति आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, अर्थात आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए जहाँ पर उसको पहुँचना है, और उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाओ। इस पाठ के अनुसार इसने कहा है इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, बस के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उन खिड़कियों में कांच लगे थे जो कि बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, हम फौरन खिड़की से दूर सर गए। यानी जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो कांच जो थे वो उनमें कंपन होने लग गया, कंपन से वो डर गए, और कंपन से डर कर वो खिड़की से थोड़ा आगे खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान नहीं होगी, मतलब उसकी कंडीशन देख करके, बस की जो सिचुएशन है उस पूरी की पूरी को देख करके वो कह रहे हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन की याद कर रहे हैं कि हो सकता है बस इतनी पुरानी हो कि उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त इसमें भाग लिया हो, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग करता, मतलब उसके जो गाड़ी के पार्ट थे वो पार्ट एक दूसरे का सहयोग करने से मना कर देते, मतलब उनमें जो एक नियमितता होती है वो नहीं थी, मतलब उसके सारे के सारे जो पुर्जे थे, उसकी जो सीट थी, खिड़की के कांच जो थे या ऊपर पकड़ने के जो एंगल होते हैं वो सब सारे के सारे ढीले हो गए थे, अपना अपना स्थान छोड़ चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो उसके जो हिस्से थे वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट उससे खड़ गई थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं, इतनी जर्जर अवस्था में बस एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पार्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। हमें उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के रिश्तेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। बस की रफ्तार 15-20 मिनट हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से का भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रगति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। यानी वो बस में से वो आसपास के वातावरण को देख रहा है, दृश्य देख रहा है, तो जो सड़क है उसके दोनों ओर बहुत हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं उसको, वो दृश्य बहुत लुभावना लग रहा था उसको। लेकिन उन पर हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। यानी उस बस की अवस्था को देख करके लेखक को लग रहा था कि पता नहीं यह हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, ये रास्ते में कहीं टकरा गई, ब्रेक फेल हो गया तो, या ऐसा कुछ भी स्टीयरिंग टूट गया तो उसको मन में अजीब सी संभावनाएं नजर आ रही है, उसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं उसको।
मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता इस पर पौधा लगा जाएगी। तो अच्छा कई बार हमारे मन में भाव आते हैं, हम किसी ब्रिज के ऊपर से निकल रहे होते हैं, पुड़िया के ऊपर से निकल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि बस ट्रेन के अंदर आप हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर इससे ट्रेन गिर गई तो इस तरह के ख्याल लेखक के मन में आ रहे हैं। एकाएक बस ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वे चली नहीं। सविना वज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये बार बार खराब हो जाती है, बस की तरफदारी कर रही है आपका जो हिस्सेदार है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। और यहाँ पे बस की तुलना किससे की है, बूढ़ी महिला से की है जो की थक कर बैठ गई। हमें गाली हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यवहार में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब अगर इस बस को कुछ हो गया तो हम तो यही की यही रह जाएंगे और इस बस का जो अंतिम संस्कार है वहां में यही करना पड़ेगा, इसको यही छोड़ के जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली इसकी चाल और कम हो गई थी, जितनी स्पीड में वो पहले से चली आ रही थी ना उससे उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी उसकी जो आगे की लाइट थी ना वो लाइट धीरे धीरे कम होने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रह गई थी, यानी अंधेरे का रोशनी के अंदर। एक तो रात तो वैसे ही होगी थी, चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल रही थी, उसी चांदनी की रोशनी में, उसी चांदनी में वो बस रास्ता ढूंढती थी, आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो मैं उंगली नहीं ली, मतलब कोई दूसरी गाड़ी आती तो वो दूसरी गाड़ी को पहले निकलने के लिए रास्ता दे देती और खुद वहीं खड़ी हो जाती। मानो ऐसा लगता वो वृद्धा अपनी जो बेटी है उसको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर खिस करके बैठ गया और जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते फिर भी ना हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। टायर पूरी तरीके से घिस चुके थे उस बस के और जैसे ही उन्होंने उस बस ने पुलिया पर चढ़ना प्रारंभ किया उसका टायर फट गया, मतलब खराब हो गया टायर। और उस टायर को खराब होता देख करके लेखक के मन में श्रद्धा हो गई कि इस बस की ऐसी अवस्था को देखते हुए भी जो हिस्सेदार है उसके अंदर सफर करने के लिए तैयार था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उसे पता है कि इस बस में सफर करने पर मेरी जान को हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस बस में सफर कर रहा है तो कैसी स्थिति हो गई, जैसे आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी अपने जीवन का बलिदान देते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं अपने जीवन को बलिदान करने के लिए। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही है, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता पानी पसारे उसका इंतजार करते, कहते वे महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। बच्चों व्यर्थ है कि उस हिस्सेदार को मालूम था कि बस जर्जर अवस्था में, लेकिन फिर भी उसने उस बस का बस को सुधराया नहीं, उसको सही नहीं करवाया, ना उसका टायर बदलवाया ना उसकी सीट बदलवाई। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है कि जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, यानी उस बस से सफर करते हुए ही उसके प्राण चले गए, और जब उसको यमदूत लेने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी लेकिन टायर नहीं बदलवाया। दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, बस की ऐसी कंडीशन देख करके बार बार रुकने की स्थिति में और बार बार उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होने के बाद में उनको लगा कि आप हम लोग जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तो क्या हम किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ हम सुरक्षित हों। लगता रखा जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है, यानी कभी भी इस बस में कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है हमारे प्राण भी चले जाए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता आ जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, मतलब जहाँ पर ये चिंता थी कि पता नहीं हम लोग गंतव्य पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इन सब को लेकर के उनके मन में ये बैठ गया कि अब हम अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब ये भाव उनके मन में आया तो वो लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो हमें सीधा भगवान के घर जाना है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं
करना चाहिए, तो इसलिए वो आराम से बैठ करके सफर करते हैं और हंसी मजाक चालू रहता है। अब हम देखते हैं कुछ भाषा की बात। बच्चों आपने समान शब्द सुने होंगे, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर तीन शब्द दिए हैं, बस, बस और बस। ये तीन शब्द हैं, इनमें बस सवारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, बस अधीनता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और बस यानी पर्याप्त अर्थात काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस की बात नहीं है और अब बस बोलो। यहाँ पर तीन शब्द दिए हुए हैं, इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो वाक्य में अलग अलग प्रकार से हुआ है। जैसे पहले वाला बस जो है, ये एक जो वस्तु है जिसका आप सफर करते हो, परिवहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा बस किसी के अधीन होना, ठीक है, किसी के अंडर में जब हम कार्य करते हैं तो वो बस कहलाता है, तो वो बस एक वो हो गया। और तीसरा बस यानी कि उपयुक्तता के लिए, पर्याप्तता के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य आपको बनाने हैं। नेक्स्ट देखो, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। बच्चों यहाँ पे नए शब्द के नीचे लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की और से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। बच्चों जब दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कारक कहलाते हैं। और इन्हें कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, और ये जो आपने पहले पढ़े हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कारक का उपयोग करते हैं। फिर इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की, यहाँ पर जो की है ये संयोजक का कार्य करता है और मिश्रित वाक्यों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग होता है, तो बच्चों एक तो होते हैं ये वाले की, ने और से, और यहाँ पर ये जो की प्रयुक्त हुआ है ये संयोजक के रूप में हुआ है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इसकी और इसकी मात्रा पता पड़ गया आपको, बड़ी की मात्रा वाला जो की होता है वो कारक चिन्ह में संबद्ध कारक का के की रूप में प्रयुक्त होता है, और ये छोटी ही वाला की जो है वो संयोजक का प्रयोग कर संयोजक का काम करता है। फिर है हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियों को दर्शाती हैं, ठीक है। अब दो प्रकार की गतियों को दर्शाती हैं, कुछ ऐसी भी क्रियाओं को एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना और फिरना, ठीक है, खाना और पीना। तो ये क्रियाएं ऐसे गति को समझाएंगे, तो ऐसे गति वाली क्रियाएं आपको ढूंढनी है, उन्हें वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। काश बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब बच्चों यही वाली चीज आपने पहला वाला जो प्रश्न देखा था उसके अंदर भी यही चीज थी, बस, वश और बस। वैसे ही यहाँ पर तीन शब्द, दो शब्द आ रहे, एक तो ये वाला बच, एक ये वाला बच। बहुत कम बचे थे यानी उनकी संख्या में वो कम थे, और यहाँ पर बचना था यानी उनसे बचाव करना था, सुरक्षा प्राप्त, सुरक्षा लेने के लिए सुरक्षित होना था। तो इनमें भी दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग, शब्द तो सेम है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर भी अनेकार्थक शब्द है। अब आपको यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, ध्यान रखें एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। बच्चों जल, जल के दो अर्थ कैसे हो गया, एक तो जल यानी पानी और एक जल यानी किसी, हम अग्नि से जल जाते ना हम, तो वो वाला जलना, और हार, एक तो जो हार जीत वाली हार होती है वो, और एक गले का हार। तो इनसे भी आपको वाक्य बनाने हैं और वाक्य ऐसे होने चाहिए, एक ही वाक्य में उन दोनों का अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्या है, विशेषण, और क्लास क्या है, विशिष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है बच्चों वो विशिष्य होता है, और जो विशेषता वाला शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है। क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्या वाचन विशेषण का उदाहरण है। जो विशेषण 6 प्रकार के होते हैं उनमें से ये कौन सा होता है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है। जब विशिष्य के आगे कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वो संख्यावाचक
वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्लास क्या है, विशेष्य है, और विशेष्य के आगे क्या लगा दिया, पोस्ट, तो क्या हो गया, पोस्ट क्या, तो पोस्ट क्या हुआ हमारा, संज्ञा वाचक विशेषण, और क्लास क्या हुआ हमारा, विशेष्य। महान आदमी ने किसी आदमी की विशेषता है महान, उसमें आदमी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और महान क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई। ये क्या होते हैं बच्चों, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति का रंग रूप आकार से संबंधित कोई गुण बताया जाता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है, और जब किसी चीज वस्तु की संख्या बताई जाती है विशेषण के माध्यम से तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दोनों उदाहरण खोज कर लिखो, जैसे दूसरी मंजिल चौराहा, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, और गुणवाचक में जैसे पतला आदमी, मोटी रोटी, तो ये चीज क्या होगी, गुणवाचक विशेषण होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बस की यात्रा हरिशंकर प्रसाद जी का पाठ, आपसे फिर मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।